पाकिस्तान के चर्चित मौलाना तारिक जमील हाल ही में वायरल हुए एक वायरल वीडियो में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें वह सलमान खान के पिता सलीम खान उनके परिवार को ईद की बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि सलमान जैसा आज्ञाकारी बेटा पाना सलीम के लिए सौभाग्य की बात है। मौलाना जमील ने कहा कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद सलमान नौकर की तरह पेरेंट्स की सेवा करता है। जमील ने आगे कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने सलमान को दी खूबियां। उन्होंने बताए कि दो खूबियां उन्होंने बताई हैं जिसके बाद से वह सलमान के फैन हो गए। उन्होंने कहा है कि पहली बात शोएब ने मुझे बताई है कि बेटे के तौर पर सलमान कितने आज्ञाकारी हैं। सलमान से कुछ करने के लिए कहिए तो वो हिचकते नहीं है। यह जन्नत का रास्ता है। जो अपने पेरेंट्स को खुश रखता है उसे बहुत इनाम मिलता है। आप बेहतरीन मुस्लिम हैं, मौलाना आगे कहते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि सलमान बहुत उदार है। ऊपर वाला ऐसे लोगों को पसंद करता है जिसका बड़ा दिल है, भले ही वह दूसरों की तरह भक्ति ना करे। अगर आप ईद की एक ही नमाज अदा करें तो मैं वादा करता हूं कि अल्लाह आपको प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि सलमान की उदारता और पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करने ने उन्हें फैन बना दिया है। गौरतलब है कि मौलाना जमील ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के लिए लड़के लड़कियों के साथ में पढ़ाई को एजुकेशन को जिम्मेदार बताया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के चहेते मौलाना ने कहा कि अगर आग और पेट्रोल एक साथ रहेंगे तो बलात्कार तो होते रहेंगे। कॉलेजों में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, को एजुकेशन ने बेहयाई को प्रमोट किया है। इससे पहले मौलाना ने यह भी दावा किया था कि महिलाएं को कम कपड़े पहनता देख नाराज होकर अल्लाह ने कोरोना भेजा है।